बड़वानी जिला मुख्यालय के खंडवा बड़ोदरा सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहीं इंदिरा सागर परियोजना द्वारा नहर निर्माण में बीच रोड पर खुदाई कर पाइप डालने के बाद भी सड़कों पर गड्ढे नहीं भरे जाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इंदिरा सागर परियोजना और MPRDC के बीच रोड दुरुस्तीकरण में लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जिला मुख्यालय के ग्राम करी व तलून से लेकर आगे तक रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इंदौर सागर परियोजना द्वारा नहर निर्माण में बीच रोड पर खुदाई कर छोड़ दिया जाता है। तलून स्थित टोल प्लाजा पर ग्रामीणों द्वारा कई बार रोड की मरम्मत के लिए भी कहा जाता है, लेकिन टोल प्लाजा व इंदिरा सागर परियोजना ठेकेदार दोनों में से कोई भी उक्त समस्या का निराकरण नहीं कर पाने से कई लोग दोपहिया वाहनों से रात के अंधेरे में दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। टोल प्लाजा इंचार्ज दीपक पांडे द्वारा जल्द ही सड़क दुरुस्तीकरण की बात कही गई है। महीनों से सड़क पर गड्ढे होने से ग्रामीण सहित वाहन चालक परेशान हैं। एक सप्ताह में सड़क दुरुस्तीकरण की बात सामने आई है। अब देखना होगा ग्रामीणों की समस्या और हादसे की सड़क कब तक दुरुस्त होगी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। हमारा भाई साहब कॉलेज आना जाना डेली रहता है, प्रतिदिन निकलते हैं। कई बार टोल नाके वालों को बता दिया है, करी में इस साइड भी नहर खोदने पर पूरा रोड खोदा गया है, उस साइड भी रोड की स्थिति खराब है। आए दिन वहाँ पे कई लोग गिरते हैं, गिनती नहीं है उन गिरने वालों की। मेरा स्वयं का पिछले महीने में एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं 15 से 20 रोज हॉस्पिटल में इंदौर एडमिट रहा है। मेरा सर फ्रैक्चर हो गया था, वहाँ पे पूरा रोड की स्थिति ख़राब है। और सिंपल तरीके से निकलने पे वो पूरा रोड इतना बेकार हो गया है उस खुदाई में कि मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी गिर जाता है वहाँ पे। और कई व्यक्तियों को हमने गिरते हुए देखा है और खबरें सुनी है। टोल नाके वालों को जब भी इस बात से अवगत करवाते हैं तो बोले आज करते हैं कल करते हैं, ऐसा टाल देते हैं। नाजायज की वहाँ वसूली चल रही है, उसके अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। और जबरन की गुंडागर्दी चलती है, नहर वालों ने खोद रखा है रोड और उसका कुछ भी डेवलपमेंट होता नहीं। वहाँ से वहाँ भारी वाहन निकलते हैं तो रोड तो ऑटोमेटिक ख़राब होना ही है, पानी भी गिरा है। तो ये जब नाजायज टैक्स ले रहे हैं इस चीज़ का, तो उसको बनाने में क्या जा रहा है इनको। सर मेरा नाम दीपक पांडे है, इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं हूँ। और जी सर इस साल ऐसा था कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है और मौसम 15 दिन पहले ही खुला है। इस वजह से जो हमारा रिन्यूअल प्रोग्राम था वो 15 दिन लेट चल रहा है और हमने काम स्टार्ट कर दिया है। हमारी 2 खंडों में रोड हैं, पहला भाग है हमारा जुलवानिया से लेके बड़वानी और दूसरा है हमारा खरगोन से लेके जुलवानिया। हमने दूसरे पक्ष में दूसरे खंड में दूसरे भाग में हमने काम शुरू कर दिया है। जो हमारा काम अभी उन पे माता मंदिर है, लक्ष्मी माता का मंदिर, उस पे समरसिबल पुल पे काम हमारा चल रहा है। इसके बाद हम जल्द से जल्द खरगोन को टच करते हुए वापस बड़वानी की ओर चलेंगे, जिसमें से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में हमारा काम इधर बड़वानी साइड लग जाएगा। और यहाँ पे जितने यात्री हैं और जितने भी लोग हैं जिनको भी शिकायतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट प्रॉब्लम ये था कि इस बार काम थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ मौसम की वजह से, और इस वजह से थोड़ा सा सबको असुविधा हुई, उसके लिए मुझे भी खेद है और जल्द से जल्द हम इस पर काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।